आखिरी सवाल राम माधव जी, लेकिन आपने कहा कि गलत खबरें दिखाने की बात है, कोई गलत खबर हम लोगों ने नहीं दिखाई, जिम्मेवारी से हम लोगों ने वो खबर दिखाई है। मैं आरोप कर रहा हूँ कल का जो खबर था वो गैर जिम्मेदाराना खबर था, मैं आरोप कर रहा हूँ आपके चैनल। लेकिन आप लोगों ने आकर के क्यों नहीं डिफेंड किया उस खबरों को, क्यों नहीं अपनी बात, आप कुछ भी चलाए हम आके डिफेंड करें, क्यों नहीं डिफेंड करना चाहिए? पर ये तोड़ फोड़ लाठीचार्ज इस ढंग से आकर के लाठियां लेकर के भी कहा, ये लाठीचार्ज पुलिस ने नहीं किया, लाठियां लेकर के आए, हमला करने की कोशिश की वहाँ आज तक, और हेडलाइन टुडे के दफ्तर पे कल से इस तरह की खबरें चला ही रहे। आज एक नया खबर चला, आपका दफ्तर को आप खुद तोड़फोड़ कर दो और कहो कि आरजी वाले ओपरा के तोड़फोड़ कर दिए। ये तो सामने की बात है, इसमें हम तो तोड़फोड़ करेंगे, सब तमाम हजारों लोग वहां पर आकर के जिस दिन से हजारों कार्यकर्ता शांतिपूर्ण धरना किए, हजारों कार्यकर्ता आपके भवन में घुसते, पुलिस को धक्का मुक्की करके अंदर घुसने की कोशिश भी की उन्होंने। वो तो धरना के समय जो भी हुआ वो पुलिस और धरना देने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में है ना, आपका दफ्तर तो 13वें मंजिल पर है। नहीं 13वें क्यों है, पूरा वहां हमारे स्टाफ रहता है बकायदा, नीचे से ऊपर तक तमाम कैमरामैनों को रोकने की कोशिश की गई वहां पे, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। राम माधव जी, ये तो डेमोक्रेसी में कम से कम शोभा नहीं देता, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है? नहीं, वो तो लोगों ने स्वयं होकर वहां धरना दिया है, जिनको आपके खबरों के चलते जिनको दुख हुआ उन्होंने जाकर स्वयं वहां धरना दिया है, कोई संगठन का कार्यक्रम के रूप में वो था नहीं, लोगों ने धरना दिया है स्वयंसेवकों ने। लेकिन संघ के जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिन लोगों के लिंक बात हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप, क्या उनको ऑन करते हैं कि संघ से जुड़े लोग? किसी का नाम नहीं आ रहा, नाम आपके लोग ले रहे हैं चैनल वाले, ना एजेंसी ने अभी तक किसी को पूछा है, ना कोई इंट्रोगेशन हमारे लोग को हुआ है, सीबीआई डायरेक्टर ने स्वयं आपके सामने कहा है, कह रहे कि लोग नाम आ रहा है, यही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मीडिया का, इससे कोई सहन नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।